सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो इन्फोटेक। आसुस टफ गेमिंग लैपटॉप मॉडल FA566II नॉट टर्निंग ऑन प्रॉपरली। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इस लैपटॉप में प्रॉब्लम यह है कि जैसे मैं पावर स्विच ऑन करूँगा तो ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। तो मैं ये सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिएगा आगे ये हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, देख सकते हैं बंद हो गई है, सिर्फ लाइट ब्लिंक कर रही है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बॉटम केस में जितने भी स्क्रू है सारे स्क्रू को ओपन कर लेना है। हमारा बॉटम केस ओपन हो गया है, देख सकते हैं। सबसे पहले हमें बैटरी रिमूव करनी है। बैटरी रिमूव हो गई है। हार्ड डिस्क रिमूव कर लेते हैं। हार्ड डिस्क कनेक्टर है, वो हार्ड डिस्क कनेक्टर आप निकाल लीजिए, FPC कनेक्टर। और हार्ड डिस्क में चार स्क्रू लगे होते हैं, चार स्क्रू को भी निकाल लेना है। ये हार्ड डिस्क कनेक्टर है हमारा। तो चलिए चार्जिंग एडाप्टर लगा के देख लेते हैं ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं पावर प्रेस किया और देख सकते हैं कीबोर्ड में लाइट आ गई है। आसुस लोगो भी आ गई है। देख सकते हैं फिर से ये बंद हो गई है। ये हमारा रैम स्लॉट है, यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हैं रैम। और दूसरी तरफ रैम लगी हुई है, 16 GB की रैम लगी हुई है। चलिए मैं एक बार
दूसरी रैम लगा कर चेक कर लेता हूँ कि ऑन हो रहा या नहीं हो रहा। आसुस लोगो आ गई है फिर से, और ये हमारा सेम इशू दिख रहा, अभी भी ऑन नहीं हुई। ये हमारा SSD है, इसी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो मैं इसे रिमूव कर ले रहा हूँ SSD, और आगे मैं ये ऑन करके देखूँगा तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, तो हमारा BIOS मोड प्रॉपर तरह से ओपन होना चाहिए, ऑफ़ नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं इसे भी रिमूव कर लेता हूँ। हमारा ये SSD रिमूव हो गया है, और रैम जो हमारा पहले का जो इसमें लगा हुआ था वो रैम मैं फिर से लगा ले रहा हूँ, रैम का तो प्रॉब्लम है नहीं, तो मैं फिर से दोबारा से रैम में लगा ले रहा हूँ जो पहले लगी हुई थी, और मैं फिर से पावर ऑन कर रहा हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। देख सकते हैं कीबोर्ड में लाइट आ रही है पर ऑन नहीं हो रहा प्रॉपर तरह से। ये ऑन नहीं हो रहा है हमारा। चलिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं ऑन करने के लिए। तो अभी हमें लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि इसका प्रॉब्लम हो सके तो हमारा कीबोर्ड से आ रहा हो। तो चलिए मैं एक बार फिर से मैं ये पावर कनेक्टर लगा लेता हूँ और ऑन करता हूँ, और ये देख सकते हैं सिर्फ कीबोर्ड में लाइट जल रही है और कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो चलिए एक बार फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ। तो मैं फिर से एक बार ये चार्जिंग अडेप्टर लगाता हूँ, और जो हमारा कीबोर्ड का जो केबल है उसे मैं रिमूव कर देता हूँ और इसे छोड़ देता हूँ। देख सकते हैं कीबोर्ड में लाइट आ गई है। Asus लोगो आ गई है, और ये हमारा BIOS मोड भी आ गया है। ये BIOS मोड आ गया है क्योंकि मैं SSD हटा दिया हूँ, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम SSD में ही इंस्टॉल था, तो मैं रिमूव कर दिया हूँ, जिसके कारण ये BIOS मोड आ गई है। तो ये प्रॉपर तरह से ऑन हो गया है, तो इसे हमें मालूम चलता है कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो कीबोर्ड में है, क्योंकि मैं पावर कनेक्टर लगा कर ऑन किया और कीबोर्ड केबल जो था उसे मैं रिमूव कर दिया, तो ये प्रॉपर तरह से फिर से ऑन हो गया है। तो ये प्रॉब्लम जो ऐसा फेस हो रहा है, सिर्फ कीबोर्ड में लाइट जल रहा है और आसुस लोगो आने के बाद ये बंद हो जा रहा, तो ये हमारा कीबोर्ड से प्रॉब्लम था, देख सकते हैं आप। अब ये बंद भी नहीं हो रही है, ये कंटिन्यू चल रही है। चलिए मैं आपको लास्ट में SSD ये सब लगा कर एक बार दिखाऊंगा कि ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं फिर से ये केबल लगा दे रहा हूँ।
कीबोर्ड का ये केबल है, मैं फिर से इसे लगा दे रहा हूँ। मेन कीबोर्ड में ही हमारा पावर स्विच है। तो मान लीजिए हमारा जो कीबोर्ड है अगर ऑटोमेटिक वर्क कर रहा हो या काम ना कर रहा हो या कोई भी की ख़राब हो गया है जिसके कारण ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। चलिए मैं SSD लगा लेता हूँ और इसे एक बार फिर से मैं ऑन करके देखता हूँ। चलिए हमारा SSD लग गया है और मैं इसे ऑन करके एक बार फिर से देखता हूँ। चार्जिंग अडेप्टर लगाकर पावर स्विच ऑन करना है और जो हमारा कीबोर्ड का FPC केबल है उसे रिमूव कर लेना है। उसके बाद हमारा जो लैपटॉप है वो प्रॉपर तरह से ऑन हो जाएगा। इसमें कीबोर्ड का ही प्रॉब्लम है जिसके कारण ऐसा ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑन हो रहा है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर तरह से ऑन हो गया है। तो इसमें जो हमारा प्रॉब्लम था वो कीबोर्ड से आ रही है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि इस लैपटॉप का कीबोर्ड हमें रिप्लेस करना होगा। तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में इस मॉडल का फिर से कीबोर्ड रिप्लेस करके एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ ही गया होगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही थी। तो ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम कीबोर्ड से ही थी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस मॉडल का कीबोर्ड रिप्लेस करके दिखाऊँगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। अगर आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम है लैपटॉप में तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं।